साथियों, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की आबादी में बहुत विविधता है, वहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं, आदिवासी और विधायी समुदाय के लोग बहुतायत है। इस क्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूतपूर्व विश्वास दिखा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री हैं, 2 अन्य राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं। इस सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इसी परिश्रम की वजह से आज दक्षिण भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। कर्नाटका में भाजपा इतने वर्षों से मजबूत स्थिति में है, आज भी हम नंबर 1 पार्टी हैं कर्नाटका में। तेलंगाना में भी लोगों का एकमात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंध्र प्रदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तमिलनाडु और केरला में भाजपा हर जिले में हर बूथ पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का ये विस्तार हमें सीटों के मामले में और वोट शेयर के मामले में सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। और इसका एक उदाहरण है भाजपा का सदस्यता अभियान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार। एक समय था जब हम राज्यों में राज्य स्तर की कमेटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में झंडा गाड़ दिया। फिर थोड़ा समय और बीता, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, फिर हम हिसाब लगाने लगे कि भाई कितने जिले हैं जहां कमेटी बनी है, कितने जिलों में कमेटी बाकी है, कब पूरा करेंगे। फिर हम एक कदम आगे चले, फिर हम सोचने लगे चलो जिले तो हो गए, बताओ भाई कितने तहसील में कमेटियां बनी हैं, कितने ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बनी हैं। फिर शक्ति केंद्र आया, फिर बूथ पर फोकस हुआ और आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। भाजपा पहली पार्टी है
जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की है संविधान के तहत। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। हमने पार्टी की समितियों में कमिटियों में हर बार 25% नए लोगों को लाने की व्यवस्था शुरू की है। हम कार्यकर्ताओं की इसी ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन हम भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन हमारे पांव आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे। भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जो कष्ट उठाकर परेशानी झेलकर कर्तव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। हम जहां भी काम करते हैं सामूहिकता की भावना से काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसमें मुक्त चिंतन होता है, नए विचार सृजित होते हैं, नए विचारों का सम्मान होता है। चिंतन और अध्ययन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल विस्तार है, हिस्सा है, वटवृक्ष की भांति है। भाजपा वो पार्टी है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशील मोर्चे और कमेटियां हैं। भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भूमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभावशाली भी होता है।